गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे आगे आपका जो एंटो का कोर्स है, एंटो 311। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले पॉलीफेगस पेस्ट पढ़े थे, उसके बाद ग्राम के, सोरगम के, है ना, और मेज़ के, इसके बाद हमने राइस के पेस्ट पढ़े थे, फिर कॉटन के पेस्ट पढ़े थे अभी जस्ट पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कुछ वेजिटेबल के पेस्ट। ठीक है, एक एक करके सबको कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो पेस्ट है ये है ब्रिंजल का। ठीक है, बैंगन जिसको बोलते हैं, ब्रिंजल का ये सबसे इम्पोर्टेंट पेस्ट है। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बॉरर। ठीक है, एक तो आप जो टाइटल होता है ना किसी भी पेस्ट का, उसके ऊपर ज़रूर फोकस किया करो। उसके अंदर आपको बहुत सारे हिंट मिल जाते हैं। अब हिंट कैसे, जैसे कि अभी मैं इसी की बात करूँ, ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बॉरर की, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शूट एंड फ्रूट। शूट का मतलब क्या होता है, तना जिसको बोलते हैं, है ना। शूट क्या होता है, तना, और फ्रूट क्या हो गया, फल। यानी कि ये तो डेफिनेट है कि ये जो पेस्ट होगा, इसका जो अटैक होगा, ये नुकसान किसको करेगा, सेम को और फ्रूट को, ये कंफर्म हो गया। अब आपको क्या है, जो इसके आप जो नेचर ऑफ डैमेज लिखोगे या फिर डैमेजिंग सिम्टम जो लिखोगे, उसके अंदर क्या आपको इसमें हिंट मिल जाता है, चलिए बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम में फर्स्ट है ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनेलिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनेलिस। फैमिली इसकी है पायरेलिडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात है तो मैं आपको हर क्लास में रिवाइज करवाता हूँ कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात आते ही आपके दिमाग में तीन चार चीज़ें यानी ये क्या क्या कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, लाइफ साइकिल में चार स्टेज होगी, कौन सी स्टेज डैमेज करेगी, जो कैटरपिलर या लार्वा स्टेज होती है वो। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। प्लस जो कैटरपिलर होगा उसके क्या होंगे, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होंगे, यानी कि वो क्या करता है कि जो भी फ्रूट या शूट होगी उसको काट के उसको ख़राब करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ फैमिली की बात आ रही है पायरेलिडी, तो आपको पता हो हमने पायरेलिडी फैमिली का एक और भी पेस्ट पढ़ा था पहले, उसका आपको अगर याद हो डैमेजिंग सिम्टम वगैरह, पेस्ट का मैं बता देता हूँ आपको, मेज स्टेम बोरर, मक्के का जो हमने स्टेम बोरर पढ़ा था, है ना, उसके अंदर यही फैमिली थी उसकी पायरेलिडी। और वो डैमेज कैसे करता था, शूट के अंदर क्या है, टनल बनाता है, सेंटर से खाता रहता है, उसको डेड एंड बनाता है ना, उसके भी इसके भी क्या है, लगभग सेम सिम्टम है। तो चलिए बात, इनको क्या है, हमेशा आप क्रॉस लेके चला करो, है ना, यानी कि जैसे ही किसी फैमिली कोई रिवाइज हो रही है तो इससे पहले जिस पेस्ट की ये फैमिली थी उसको आप क्या कीजिए, इसके साथ क्रॉस करके आप जब चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है या फिर लगभग सेम चीज़ें हैं। ओके, चलिए फिर बात आती है होस्ट प्लांट की। ठीक है, तो होस्ट प्लांट अब ब्रिंजल है तो ये तो सीधी सी बात है कि ब्रिंजल तो है ही है। ठीक है, प्लस ब्रिंजल के अलावा जितने भी सोलेनेसी कुल के प्लांट हैं, ठीक है, सोलेनेसी जो कुल है उसके जितने भी प्लांट होंगे उन सब में ये क्या है, नुकसान पहुंचाएगा। आप सोलेनेसी की बात करें तो इसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे, टमाटो भी आ जाएगा, है ना, और बैंगन आ गया, इसके अलावा जो भी होंगे उन सब में नुकसान करता है। अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, कि ये नुकसान कैसे पहुँचाता है। ठीक है, इसका डैमेज का सिस्टम क्या है, कैसे ये डैमेज करता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए इसकी बात करेंगे एग लेइंग की। तो ये जो एग्स है ना, ये एग्स कहाँ देगा, लीफ पे, ठीक है, लीफ पे, प्लस जो भी शूट्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट है जितने भी प्लांट के, ठीक है, या फिर बात करें फ्रूट है ना, फल जो है, इन सब पे क्या है, इसकी एगलिंग होती है। ठीक है, एगलिंग सिंगली होती है, सिंगल एग्स देता है, एगलिंग होगी, इसके बाद जो कैटरपिलर निकलता है, ठीक है, जो कैटरपिलर निकलता है या फिर जो लार्वा निकलता है, ये क्या करता है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज में क्या करेगा, लीफ होगी, ठीक है, जो लीफ होगी है ना, तो ये क्या करेगा, लीफ पे फीड करेगा, ठीक है, लीफ पे फीड करेगा, फिर लीफ के थ्रू क्या आ जाएगा, ये स्टेम के अंदर आ जाएगा, और स्टेम के अंदर आने के बाद यहाँ टनल बनाएगा, टनल किसको बोलते हैं, सुरंग जो होती है ना, सुरंग बनाएगा, सुरंग बनाते हुए इसको क्या कहें, फीड करेगा। ये तो कब तक की बात है, जब प्लांट छोटे साइज़ का होता है, ठीक है, उस टाइम इसे डैमेज करेगा। जैसे ही फ्लावरिंग चालू होती है, फ्लावरिंग चालू होगी तो ये क्या है, जो भी फ्लावर होते हैं उसको डैमेज करेंगे, है ना, जो भी फ्लावर बड्स होती है। इसके बाद जो फ्रूट बनते हैं, ठीक है, फ्रूट बनते हैं, है ना, मान लीजिए ये फ्रूट है, ठीक है, अब ये फ्रूट जो बनेगा,
फ्रूट में ये डैमेज करेगा, तो फ्रूट में कैसे करेगा, एक तो आपको बताऊँ जो छोटे साइज होता है ना, यानी कि स्टार्टिंग जो स्टेज होती है फ्रूट की, उस कंडीशन में ये डैमेज करेगा। डैमेज कैसे करेगा, इसकी जो कैटरपिलर है वो क्या करेगी, इसके अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। एंटर होने के बाद मान लीजिए यहाँ आ गई, अब ये अंदर ही अंदर क्या है, इसको फीड करती रहेगी, अंदर का जो भी पल्प है उस सब को ये क्या है, फीड करती रहेगी, और अंदर ही अंदर जो फ्रूट है वो रोटन होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, इसके अंदर एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है। इस पेस्ट की क्या होगा, अंदर जाने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में होता है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो हमने पढ़ा था पिंक बॉल वर्म जो पढ़ा था, उसमें भी क्या था, कैटरपिलर जो बॉल है उसके अंदर एंटर हो जाती थी, और फिर जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होता था, बॉल बड़ी होती थी, वो बंद हो जाता था। सेम इसमें है कि जैसे जैसे ये फ्रूट का साइज बढ़ेगा, ये जो स्पेस है, या बात करिए जो होल बनता है, वो बंद हो जाता है, और आपको यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है जिस स्थान से ये एंटर होती है। लेकिन आप देखोगे कि कई बार आपको देखने को मिलता है कि ब्रिंजल के ऊपर, बहुत बार आपने जब मार्केट में भी आप सब्जी लेने जाते हो तब देखा होगा, उसके ऊपर क्या एक होल से बने रहते हैं, कुछ ब्रिंजल्स के ऊपर, हम उनको नहीं लेते हैं, वो जो अटैक होता है वो इसी का होता है, ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बॉरर का। अब आप तो ये सोचोगे कि सर अभी आप तो कह रहे हो होल दिखता ही नहीं है, लेकिन अभी आप कह रहे हो होल दिखता है, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि होल इंटर होता है तब नहीं दिखता, इसके बाद जब ये डैमेज करने के बाद इसका कैटरपिलर जो है, इसका साइज भी अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, ये जब बाहर निकलती है डैमेज करने के बाद, ये जब वापस है ना प्यूपा में बदलने के लिए जब फ्रूट से बाहर निकलती है, उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर होल बन जाता है, और हमें फ्रूट के ऊपर वही होल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज की, ये डैमेज कैसे करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज का, अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है। नेचर ऑफ डैमेज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा भाई, ध्यान रखना है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्षति प्रवृत्ति। अब लाइफ साइकिल की बात करेंगे, जीवन चक्र, तो मैंने आपको बताया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है लाइफ साइकिल में, कितनी स्टेज होगी, 4 स्टेज होगी। अब जो एक्टिव स्टेज होती है, या फिर बात करें जो डैमेजिंग स्टेज होती है, वो कौन सी होगी, कैटरपिलर होगी, ठीक है, ये सबको क्लियर है। चलिए बात करते हैं एग्स की, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एग लेइंग से बात करेंगे, मेनली तो इसकी क्या है, सिंगली, यानी कि एक एक एग्स दिए जाते हैं, अगर ग्रुप में दिए जाते हैं तो 2 से 4 के ग्रुप में, ठीक है, एक साथ आपको 2 से 4 एग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ग्रुप में देंगे। इसके अलावा लीफ की लोअर साइड पे, ठीक है, या तो लीफ की लोअर साइड पे, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो फ्रूट होता है वहाँ भी इसकी एग लेइंग होती है, शूट होता है वहाँ भी इसकी एग लेइंग होती है, प्लस जितने भी सॉफ्ट पार्ट होंगे वहाँ पे क्या है, इसकी एग लेइंग हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें इसके कलर की, तो जो एग होता है वो क्या है, क्रीमी वाइट कलर का, क्रीम कलर का वाइट कलर होता है ना, थोड़ा सा डल वो वाला जो है वैसा कलर होता है इसका, और एक साथ एक जो सॉरी एक फीमेल जो है अपने लाइफ साइकिल में 100 to 150 एग्स देती है अपने लाइफ साइकिल के अंदर। फिर बात करेंगे कैटरपिलर स्टेज की, ठीक है, नेक्स्ट है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में इसका कलर होता है वाइट, ठीक है, आप देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या है, वाइट कलर होते हैं, लेकिन बाद में क्या है, पहले येलो, यानी कि वाइट तो होता है, बाद में क्या है, येलोइश होने लग जाता है, ठीक है, येलो होने लग जाता है, धीरे धीरे येलोइश वाइट कलर हो जाता है, और इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, जो डोर्सल साइड होती है वहाँ पे पर्पल स्ट्रिप्स, यानी कि बैंगनी कलर की धारियाँ होती है, ठीक है, इसके जो अपर सरफेस होती है उस पर बैंगनी कलर की धारियाँ देखने को मिलती है। साइज इसका होता है 18 to 23 mm साइज होता है, और लाइफ साइकिल में इसके 5 मोल्टिंग होती है, ठीक है, 5 बार मोल्टिंग होती है। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके साथ अब एक चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ डैमेज क्या है, तो उस कंडीशन में नेचर ऑफ डैमेज हमने अभी जो पढ़ा था उस कंडीशन में क्या है, अब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन पूछा किस अकॉर्डिंग है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर के अंदर पूछा गया है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो उसके अंदर आप अगर मैंने बताया इतना सा लिखोगे तो इसमें क्या है, मुश्किल से 4 लाइन ही भरोगे आप, है ना, लेकिन उसमें क्या है, आपको कम से कम 8-10 लाइन में लिखना होता है। तो जब भी आपको नेचर ऑफ डैमेज पूछा जाए बड़े क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उसमें क्या करोगे आप, इसके साथ आपको इसके लाइफ साइकिल की कुछ जो है वो स्टेज मिक्स करनी है। अब वो कैसे मिक्स करनी है, आप जैसे ही डैमेज लिखो तो इससे पहले क्या लिखोगे कि इसकी जो फीमेल होती है वो इन इन जगह पे ऐसे एग लेइंग करती है, उसके बाद जो कैटरपिलर निकलता है वो ऐसे करके ऐसे ऐसे फीड करता है, और फीड करने के बाद ऐसे फ्रूट ख़राब हो जाता है, और उसके बाद क्या है
ये फ्रूट से निकल जाता है और जो जो भी झड़ी हुई पत्तियां वगैरह वहाँ पे जाके प्यूपा में बदलता है और फिर एडल्ट में बदल जाता है, ठीक है। यानी कि आपको वो लाइनें लिखनी तो है लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। मेन आपको नेचर ऑफ डैमेज पर ध्यान देना है, लेकिन वो तो क्या है आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देगा आपका जो मैटर है उसको। अब ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए इसके लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, जीवन चक्र के बारे में, तो एगलिंग तो आप बता दोगे, लेकिन जब आप कैटरपिलर के बारे में लिखो तो उसका ये क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसके साथ आप ये लिखोगे कि कैटरपिलर जो है वो स्टार्टिंग में ऐसे होते हैं, बाद में ये कलर हो जाता है, उसके ऊपर ये होता है, और ये जो कैटरपिलर है ये अंडों से निकलने के बाद क्या है पहले शूट पे या फिर जो लीव्स है उनको फीड करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे अगर प्लांट में फ्रूटिंग होने लगती है तो ये फ्रूट्स पे डैमेज करते लगते हैं, ठीक है। और फ्रूट के अंदर ही क्या है ये अपने साइज़ को ग्रो करता रहता है और इसमें 5 बार मोल्टिंग होती है, वो फ्रूट के अंदर ही होती है। और फ्रूट के अंदर होने के बाद क्या फिर ये एग्जिट होल बनाता है, एग्जिट होल बना के वहाँ से बाहर निकल जाता है और सोइल पे जाके और जो भी फॉलन लीव्स वगैरह है वहाँ पे जाके क्या है ये प्यूपा में बदलता है और फिर एडल्ट में बदल जाता है। तो ये चीज़ लिखोगे तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो वो आप जो भी मैटर लिख रहे हैं उसमें क्या क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है, और साइज़ भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है, एग्जिट होल, ठीक है, एग्जिट होल जो फ्रूट के ऊपर मैंने आपको बताया था वो क्या होगा, एग्जिट होल, यहाँ मैंने बताया ना होल बना के उसको क्या बोलते हैं, एग्जिट होल। ये एग्जिट होल ही हमें दिखाई देता है जब वो जो भी कैटरपिलर है वो बाहर निकल जाता है फ्रूट से। तो ये होगी कैटरपिलर की बात। अब बात करेंगे प्यूपा की, तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ये जो कैटरपिलर है फीड करता रहता है, और जैसे ही मतलब ये हो गया कि इसके 5 बोल्टिंग हो गए, अब इसको प्यूपा में बदलना है, उस कंडीशन में क्या करता है, एग्जिट होल बनाता है, एग्जिट होल बनाने के बाद वहाँ से बाहर निकलेगा और निकलने के बाद जो भी नीचे झड़ी हुई पत्तियाँ वगैरह होती है, प्लांट की जो पत्तियाँ झड़ चुकी है नीचे सोइल के ऊपर पड़ी हुई है, उनके अंदर क्या होता है ये प्यूपा में बदलता है, ठीक है, प्यूपेशन होता है। और प्यूपेशन जो होता है वो क्या है, प्यूपा जो होता है इसका वो क्या करता है, बोट शेप्ड यानी कि नाव के आकार का, जो नाव होती है उसके आकार का बोट शेप्ड सिल्कन कोकून बनाता है अपनी बॉडी के चारों। मैंने आपको बताया था पहले भी, 2 चीज़ें होती है, अर्थन कोकून और सिल्कन कोकून। अर्थन कोकून में क्या होता है, जो भी कैटरपिलर या फिर जो भी लार्वा होता है वो अपनी बॉडी के चारों तरफ मिट्टी का एक बनाता है, खोल सा बनाता है, उसके अंदर क्या है प्यूपा में बदलता है। सिल्कन कोकून की बात करेंगे तो सिल्कन कोकून का मतलब क्या है, सिल्कन हेयर से क्या है अपने चारों ओर कोकून बनाता है और उसी के अंदर क्या है प्यूपा में, प्यूपा से एडल्ट में बदलता है। इसके बाद क्या होता है, एडल्ट बाहर निकल के आता है, प्यूपा से एडल्ट बाहर निकल के आता है। अब ये एडल्ट जो है ये क्या है, वाइट कलर का होता है, स्टार्टिंग में क्या होगा वाइट कलर का होगा। साइज होता है इसका 22 mm, ठीक है, 22 mm। अब फिर बाद में क्या है, इसका कलर क्या हो जाता है, येलो, ठीक है, येलोइश कलर हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है बाद में। और इसकी जो थोरेक्स वाला जो पार्ट होता है, थोरेक्स और एब्डोमन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको तो वक्ष और इसको बोलते हैं उदर, ठीक है, यानी कि वक्ष और उदर, थोरेक्स और एब्डोमन वाला जो पार्ट होता है उस पर क्या होता है, ब्राउन एंड ब्लैक स्पॉट्स यानी कि भूरे और काले धब्बे पाए जाते हैं जो भी वक्ष वाला और उदर वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे विंग्स की, तो इसकी विंग्स कैसे होती हैं, वाइट कलर की विंग्स होगी, ठीक है, वाइट कलर की विंग्स होगी जिनके ऊपर ब्राउन कलर के क्या है धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के धब्बे पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया इसका एडल्ट का करेक्टरिस्टिक्स, या बात करें उसके जो भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो गई, ठीक है, ये एडल्ट हो गया प्यूपा। अब इसकी बात करेंगे लाइफ साइकिल के आगे बारे में, कितनी कितने टाइम का होता है। एक ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लाइफ साइकिल जब भी लिखो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए, चाहे तो आपसे सिर्फ लाइफ साइकिल पूछे या फिर किसी क्रॉप का डिटेल में आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसका नेचर ऑफ डैमेज वगैरह ये चीज़ें बताओ, तो उसमें ध्यान रखना कि लाइफ साइकिल जब लिखो तो ये चीज़ें आपको यहाँ तो लिखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ये साइकिल बनाना है, ठीक है, ये साइकिल बना दिया, इस साइकिल को बनाने के बाद इसी को डिस्क्राइब करना है, यानी कि अभी जो मैंने बताया आपको, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने आपको एग का टाइम नहीं बताया, ठीक है, कि कितने समय बाद यहाँ से कैटरपिलर बनता है, उसके कितने टाइम बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा से कितने समय बाद एडल्ट निकल के आता है, लेकिन आपको क्या है ये चीज़ें यहाँ लिखनी है, ठीक है,
इसके अंदर ये चीज़ें लिखनी है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आपको ये सर्किल बनाना है पहले, और उसके बाद जब वहाँ पे डिस्क्राइब करो एक एक स्टेज को, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें भी मिक्स करनी है उसके साथ, ये ध्यान रखना भी है ना। चलिए अब बात करते हैं एग जो फर्स्ट स्टेज है, इससे क्या होगा, 3 से 6 दिन बाद लार्वा निकलेगा, लार्वा या कैटरपिलर। ये चीज़ें तो सबको समझ में आ रही ना कि कैटरपिलर क्या है, मैगट क्या है ना। लार्वा आप एक कॉमन टर्म है, लार्वा यूज़ कर सकते हो सबके लिए, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, अगर आप स्पेसिफिक टर्म जो बनाई गई है उसको यूज करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो लार्वा या कैटरपिलर है, इससे क्या होगा, 14 से 20 दिन बाद प्यूपा बनेगा, और प्यूपा से 7 से 10 दिन 11 दिन के बाद क्या होगा, एडल्ट बनेगा, और एडल्ट जो है इसके जो है रिप्रोडक्शन के 1 से 2 दिन बाद में क्या होगा, वापस से एग लाइन स्टार्ट होगी और ये साइकिल चलता रहता है। टोटल जो लाइफ साइकिल होता है इसका वो 25 to 39 डेज का होता है, और एक साल में क्या है 5 जनरेशन होती है इन 1 ईयर। एक साल के अंदर इसकी 5 क्या है इसके लाइफ साइकिल चलते हैं, कहने का मतलब 5 जनरेशन होती है, 5 पीढ़ियाँ होती हैं। अब बात करेंगे इसके, देखिए ये फोटोज जो है अभी मैं आपको बता रहा था, ये क्या है इसके एडल्ट दिखाई दे रहा है वाइट कलर के, और इसके ऊपर क्या है ब्राउन स्पॉट्स, मैंने आपको बताया ना अभी कि विंग्स के ऊपर क्या होंगे ब्राउन कलर के स्पॉट्स पाए जाएंगे, और थोरेक्स वाला और एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर क्या है ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, है ना, दिखाई दे रहा है इसके अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट्स। अब देखिए ये जो फ्रूट है दिखाई दे रहा है फ्रूट, ये किसके द्वारा डैमेज किया गया है, इसी के द्वारा, है ना, जो एलिसिनोड्स और बोनेलिस या फिर बात करें ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोल रहा है, इसके द्वारा डैमेज किया गया है। अब ये देखिए ये दिखाई दे रहा है इसका लार्वा, है ना, ये फीड कर रहा है इसको, आप जब इसको खोल के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये होल था, अभी ये आधा आधा हो गया है, पहले ऐसे बंद था ना, अब इसको जब फ्रूट को आपने अलग किया है तो इसी होल के थ्रू क्या है ये अंदर या बाहर रहता है, एक जो है एक फ्रूट के अंदर कई लार्वा हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, अब देखिए कैसा दिखाई दे रहा है सबको, सड़ा हुआ सा फ्रूट है ना, ये किसकी वजह से है, इसी ल्यूसिनोड्स और बोनेलिस की वजह से है। ये फ्रूट देखिए छोटे जब स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, ये देखिए दिखाई दे रहा सबको फ्रूट्स के ऊपर, है ना, ये होल जो बने हुए हैं, ये फ्रूट सब किसकी वजह से डैमेज किए गए हैं, जो ल्यूसिनोड्स और बोनेलिस है इसकी वजह से, है ना। ये देखिए कैटरपिलर जो है मैंने अभी आपको बताया क्या है, क्रीमी वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर का, और जो आगे वाला जो पोर्शन होता है इसका, या बात करें जो हेड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, आगे समझ में ये सब, चलिए अभी ध्यान रखना इसका, है ना। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी अफेक्टेड पार्ट्स है, यानी कि अगर वो शूट पे है या फिर लीव्स पे है, है ना, या फिर फ्रूट्स पे है, जिन फ्रूट्स पे इसका डैमेज हो गया है, हम क्या करते हैं उनको तोड़ के पहले से ही हार्वेस्ट करके फेंक देते हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं फील्ड से कहीं दूर, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो कैटरपिलर होगी वो बाहर निकल के किसी दूसरे जो है फ्रूट वगैरह है उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। फिर डीप्लोइंग करेंगे, डीप्लोइंग का मतलब यहाँ क्या है कि हम क्या करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, हेरोइंग, उससे क्या होगा जो इसकी प्यूपल स्टेज जो अभी मैंने आपको बताया कि प्यूपा जो बनता है वो कहाँ बनता है, जो फॉलन लीव्स होती है नीचे गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर, तो जैसे ही हम ये प्लोइंग करेंगे या फिर बात करें हेरोइंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्यूपल स्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ केमिकल्स की, स्प्रे की, तो ये 250 लीटर वाटर आपको लेना है, उसके अंदर किसी भी एक केमिकल जो है उसका, ये जो क्वांटिटी आपको दी गई है क्विनोलफोस, कार्बरिल या फिर मेलाथियन, इनकी 2 लीटर 2.5 लीटर या 2 लीटर जो मात्रा है इनको पानी के अंदर मिक्स करके 250 लीटर और प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं इसको छिड़काव करते हैं। अब ये वाटर मैंने आपको बताया है, ये लॉजिक आप अपने माइंड से भी लगा सकते हो कि बैंगन की क्रॉप आपने देखी है कितनी हाइट होती है, बहुत छोटी हाइट होती है ना, मुश्किल से 1.5-2 फीट होती होगी उसकी प्लांट की हाइट। तो अब इसमें सीधी सी बात है वाटर आधा ही लगेगा। अब कॉटन में हमने पढ़ा था 500 से 600 लीटर वाटर लगता है, क्योंकि क्रॉप क्या होती है बड़ी होती है, क्रॉप कैनोपी ज़्यादा होती है इसलिए, ठीक है। ये हो गया इसका मैनेजमेंट, तो ये हो गया आपका ब्रिंजल का शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। ब्रिंजल का आपके एक ही पेस्ट है कोर्स में, इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोटैटो का, पोटैटो ट्यूबर मोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है अभी, और आप मान के चलो ये एग्ज़ाम में आपके चांसेस हैं पूरे पूरे आने के। इसका रीज़न क्या है कि ये जो पेस्ट है ना,
इसका डैमेज फील्ड में तो होता ही होता है, प्लस इसका स्टोरेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बात करें तो इसका जो है फील्ड की बजाय, यानी कि फील्ड कंडीशन में जो इसका लॉस होता है उसकी बजाय क्या है, जो स्टोरेज के अंदर जो लॉस होता है इसका, है ना, भंडारण के बाद इसका जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि इस ये पेस्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पोटैटो ट्यूबर मोथ के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फ्थोरिमिया ओपरक्यूलेला, ठीक है, फ्थोरिमिया ओपरक्यूलेला इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली है इसकी गैलेचिडी और ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा, ठीक है, फैमिली और ऑर्डर पता चल गया। अब यहाँ लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है तो बाकी चीज़ें तो सेम होगी जैसे अभी हमने पढ़ा पिछले पेस्ट में, लेकिन यहाँ गैलेचिडी फैमिली है, मैंने अभी बात की तो आपको बताया कि आपके दिमाग में आना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, ये तो हमने कल ही पढ़ी थी। जो पिंक बॉलवर्म जो होती है ना, गुलाबी सुंडी जो होती है कॉटन की, उसी की उसकी फैमिली भी क्या होती है, गैलेचिडी। अब उसके जो करैक्टर है वो इसके साथ मैच करेंगे, क्योंकि सेम फैमिली है, सेम ऑर्डर है, तो उसका डैमेजिंग सिम्टम भी सेम होगा और इसका भी सेम होगा। इसलिए जब भी आपको जो भी फैमिली बोला जाए, अगर वो पहले किसी पेस्ट में आपने पढ़ी है, तो उसको क्रॉस चेक जरूर करना भी, है ना। इससे क्या होगा, आपकी दोनों जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, बात करते हैं होस्ट प्लांट्स की। तो होस्ट प्लांट सेम, इसमें भी क्या है, पोटैटो, पोटैटो तो है ही है, प्लस क्या है, इसके अलावा सोलेनेसी कुल के और जो प्लांट होंगे उनके अंदर भी क्या है, ये नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है। तो इसका नेचर ऑफ डैमेज जो है वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया अभी पहले ही, क्योंकि ये पेस्ट जो है वो क्या है, स्टोरेज में लगता है, इसलिए क्योंकि ये फील्ड में, तो अभी हमने जो पढ़ा था वो फील्ड में लगते हैं, ठीक है, और कुछ जो आगे पढ़ेंगे वो सिर्फ स्टोरेज में लगते हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये फील्ड से स्टार्ट होता है और जो स्टोरेज होता है, भंडारण जब करते हैं इनका, आलूओं का या पोटैटोज़ का, वहाँ तक इसका डैमेज होता है। तो डैमेजिंग मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है इसका। सबसे पहले क्या है, भंडारण के समय, ठीक है, हम भंडारण के समय से लेके चलेंगे। भंडारण के समय क्या होता है, मान लीजिए ये पोटैटो है और इसके ऊपर जो आइस जो बनी होती है ना, पोटैटोज ये आपने देखा होगा जिनको सीड्स बोलते हैं। पोटैटो की सोइंग कैसे होती है, किसी को पता है पोटैटो की सोइंग कैसे होती है? ये जो बड्स जो बनी होती है इनको क्या बोलते हैं, आई बड्स, है ना, आई बड्स जो होती है, इनसे क्या होता है। अब अगर मान लीजिए आपको कॉटन इसका सीड लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे काट लेते हैं कुछ पार्ट्स में, है ना। अब एक जो पार्ट है उसके ऊपर दो से तीन आईज होनी चाहिए। अब इनको क्या है, एज इट इज़ हम सोइल के अंदर इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी मिट्टी की सहायता से इसको ऊपर से दबा देते हैं। इसके बाद क्या, इसी से नया प्लांट जो है आईज से ग्रो होकर आता है, ठीक है। अब जो इसका एडल्ट जो होती है, एडल्ट फीमेल जो होती है, वो क्या करती है, इन आईज के ऊपर, इन आईज के ऊपर क्या करती है, एग लेइंग करती है, ठीक है, इन आईज के ऊपर एग लेइंग करेगी। तो एग्स, अब यहाँ एग्स दे दिए तो इसके बाद क्या होगा, जब हम इन सीड को, अब आप जब इस सीड को ग्रो करोगे, यानी कि इस सीड को यूज़ करोगे एज ए सीड, ठीक है, तो अब इन पार्ट्स को यूज़ करने के बाद क्या होगा, हमने इनको सोइंग किया, सोइंग करने के बाद क्या होगा, इनसे जो एग्स है इनसे कैटरपिलर निकलेगी, ठीक है। अब ये कैटरपिलर निकलेगी, अब ये कैटरपिलर क्या करेगी, फील्ड में स्टार्टिंग के समय क्या करेगी, जो लीफ वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो लीव्स होती है, ये क्या करेगा, लीव्स पे, लीफ के ऊपर क्या है, डैमेज करेगा। अब लीफ को, अभी मैंने आपको बताया कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में सब में क्या होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट, है ना, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप की, तो ये क्या है, उसको काट काट के नुकसान करता है, ठीक है, लीव्स पे डैमेज करेगा। लीफ के बाद, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये लीफ है ना, तो ये लीफ के बाद क्या करता है, ये जो अपर साइड जो होती है ना, लीफ की जो अपर साइड होती है और ये बीच वाली जो मिड वेन होती है, ये क्या करता है कि इसकी जो ये कैटरपिलर होती है ना, ये क्या करती है, यहाँ पे टनल बनाती है, इस जो मिड वेन होती है इसके अंदर सुरंग बनाती है, ठीक है, इसके अंदर सुरंग बनाएगी, क्या करेगी, टनल बनाएगी, ठीक है। अब ये टनल बनाएगी और टनल्स के सहायता से क्या है, इसको फीड करती हुई जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे, यानी कि जब लीफ को टनल बनाएगी और मिडवेन को खाती जाएगी, उसके बाद क्या है, जो स्टेम वाला पार्ट है, ठीक है, स्टेम वाला जो पार्ट है वहाँ आ जाएगी
और इसके बाद ये क्या स्टेम के अंदर सुरंग बनाती हुई क्या उसको फीड करती रहती है। इसके अलावा जो भी यानी कि लीफ है, लीफ से कहाँ आएगी, ब्रांचेज पे है, ब्रांच से जुड़ा होता है ना लीफ, तो ब्रांचेज पे है ना, वहाँ पे इसको ये डैमेज करेगी उसको, है ना, बाइटिंग सेविंग टाइप है तो खाएगी उसको सीधी सी बात है काट काट के। अब उसको वहाँ पे यानी कि ब्रांचेज पे लॉस करने के बाद उनकी सहायता से किस पे आ जाएगी, ये स्टेम पे आ जाएगी, और स्टेम के अंदर भी क्या करेगी, सेम कंडीशन में टनल बनाएगी, टनल यानी कि सुरंग बनाएगी और उसको अंदर ही अंदर फीड करती रहती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो हम पोटैटो की बात करेंगे तो जैसे ही इसके जो फ्रूटिंग होनी स्टार्ट होती है, अब सबको पता होगा आलू का तो सबसे पहले तो कि सोइंग कहाँ होती है, सॉरी सोइंग का क्या फ्रूटिंग कहाँ होती है, पोटैटो की फ्रूटिंग का सबसे पहले क्या है हमें पता होना चाहिए, पोटैटो की फ्रूटिंग कहाँ होती है यानी कि जो फ्रूट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, सोइल के अंदर, है ना, जो भी आलू बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, जो सोइल होती है वहाँ अंदर। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्सपोज्ड जो होते हैं, एक्सपोज्ड का मतलब क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपोज मैंने यह वर्ड यूज़ किया है, एक्सपोज्ड ट्यूबर का मतलब क्या है, मान लीजिए ये सोइल का लेवल है, ठीक है, यहाँ प्लांट है, अब यहाँ पे पोटैटो कहाँ बनेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, जब पोटैटोज बनते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ ऊपर सोइल की जो लेयर है, या बात करें सैंड जो है, जो मिट्टी जो होती है, बालू मिट्टी जो होती है, अगर वो पूरी तरह से नहीं बनी हुई है, पूरी तरह से बनने का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि इसके ऊपर कवर नहीं है पूरी तरह से, अच्छी तरीके से कवर नहीं है, तो ये जो कंद जो होते हैं ना आलू के, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की ओर निकल जाते हैं कुछ कंद, तो इनका जो ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है जो सोइल के ऊपर डायरेक्ट हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं एक्सपोज्ड ट्यूबर, ठीक है, एक्सपोज्ड ट्यूबर, है ना, यानी कि जो बाहर डायरेक्ट दिखता है ना। इसकी वजह से एक चीज़ और होती है, आपने देखा होगा सोलेनिन जिसको बोलते हैं, है ना, फिजियोलॉजिकल और डिसऑर्डर होता है ना सोलेनिन, तो वो भी ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ये भी इसी की वजह से होता है, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से। लेकिन इस पेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आलू है अगर ये डायरेक्ट बाहर एक्सपोज हो रहे हैं तो इसकी फीमेल क्या करेगी, या फिर ये जो कैटरपिलर जो है ये क्या करेंगे, इनके अंदर फिर यहाँ से इंटर हो जाएंगे, और इंटर होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फीड स्टार्ट कर देते हैं, है ना, इनके अंदर क्या है फीडिंग करते हैं, और पूरा यहाँ पे होल बनाएंगे, होल बना के इसको अंदर ही अंदर फीड करते रहते हैं, या फिर इसके एडल्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, इस ये जो एक्सपोज्ड ट्यूबर होते हैं इनके ऊपर क्या है अपनी एगलिंग स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे एग्स देंगे, अब एग्स देंगे तो बाद में क्या होगा, इनसे वापस इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो एग्स है, मान लीजिए चाहे वो एग्स दे रखे हो, या फिर बात करें जो कैटरपिलर है वो यहाँ इंटर हो चुकी है, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, जैसे ही हम ये कंद है जो भी आलू के इनको बाहर निकालते हैं, फ्रूट को बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं, और अलग करने के बाद इनको स्टोरेज घर में, जो स्टोरेज जो हमारा बना हुआ है, या फिर बात करें भंडार गृह जो होता है वहाँ पर ले जाते हैं, स्टोर करते हैं, तो इनको जब हम स्टोर करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, इसकी लार्वा जो होती है वो इन ट्यूबर्स की सहायता से वहाँ चली जाती है, स्टोरेज में चली जाएगी। अब भंडार गृह में जाने के बाद क्या है, इनसे प्यूपा में बदलते हैं, ये फ्रूट के अंदर ही बदलते हैं, या फिर फ्रूट से बाहर निकल के जो भी बोरियां वगैरह है, या जो भी आलू आपके पड़े हुए हैं उनके नीचे की सतह जो होती है ना, निचली साइड पे जाके वहाँ पे क्या करती है, ये प्यूपा में बदलते हैं, और वहाँ से एडल्ट बाहर निकल के आता है। अब ये जो एडल्ट है, अब वो है तो स्टोरेज में ही, अब वो क्या करेगा, आपके भंडार गृह में जो बाकी जो पड़े हुए हैं पोटैटोज उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर जाके क्या है एगलिंग करते हैं, और उसके बाद क्या है इससे जो कैटरपिलर निकलेंगे वो उसी आलू को वहीं पे खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए क्या इसका जो लॉस है, इसके लॉस की बात करें तो वो फील्ड में, मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड में तो कम होता है, ठीक है, और जो स्टोरेज होती है यानी भंडारण जो होता है वहाँ पे इसका ज़्यादा लॉस होता है ना, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेस्ट माना गया है। तो पता चल गया सबको इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, बस ऐसे ही होगा, इसके बाद जैसे ही पोटैटोज हैं इनको, जो इन्फेक्टेड पोटैटोज हैं इनको आप वापस यूज़ करोगे एज ए सीड, तो इसकी सहायता से ये क्या है वापस कहाँ चले जाएंगे, फील्ड के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ पे दोबारा से ये सेम जो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे इसका डैमेज चलता रहता है, और धीरे धीरे इनकी संख्या जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज।
ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना भी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये क्या है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से। फिर बात करेंगे लाइफ साइकिल की, सेम है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है तो क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा और लाइफ साइकिल में चार स्टेज होगी। अब चार स्टेज कौन कौन सी, एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले एग की, तो एग कहाँ होगी, या तो लोअर साइड ऑफ लीफ की, मैंने अभी आपको बताया एग्स कहाँ दिए जाते हैं, लोअर साइड ऑफ लीफ पे, या फिर जो एक्सपोज्ड ट्यूबर्स है, अभी बात की थी ना हमने ट्यूबर्स की, एक्सपोज्ड ट्यूबर्स होंगे फील्ड में वो, या फिर आई बर्ड्स जो क्या है स्टोरेज में जाने के बाद जो पोटेटोज जो होते हैं उनकी जो आईज जो बाहर निकली रहती है, आई बर्ड जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं ये एग लेइंग करते हैं। इसके बाद वाइट, स्टार्टिंग में वाइट कलर का होता है और बाद में ये क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, जैसे जैसे क्या है एग्स हैचिंग के नज़दीक आता है तब ये क्या है ब्लैक कलर के हो जाते हैं और 100 to 150 एग्स दिए जाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कैटरपिलर की, ठीक है। तो कैटरपिलर निकलने के बाद, मैंने अभी आपको बताया कैटरपिलर कैसे स्टार्ट, डैमेज कैसे स्टार्ट करता है, जो लीफ है, अब यहाँ ध्यान रखना एग्स तो दिए जाते हैं लोअर साइड पर, ठीक है, लेकिन कैटरपिलर जो होती है वो क्या करती है, जो भी अपर साइड जो होती है, अपर साइड में जो मिडवेन होती है उसके अंदर टनल बनाती हुई क्या है धीरे धीरे ब्रांच पे, और वहाँ से फिर क्या है जो भी स्टेम होता है उसके अंदर, और फिर बाद में फ्रूट में क्या है डैमेज स्टार्ट कर देती है। तो ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में इसका साइज़ क्या होता है 1.5 mm के आसपास, वाइट कलर का होता है लेकिन हेड कैसा होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, सिर जो होता है वो काले रंग का होता है, 5 molting होती है इसके अंदर भी, ठीक है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, लगभग 5 molting होती है, और इसका जो साइज है वो बढ़ के कितना हो जाता है 22 mm हो जाता है। इसके बाद फिर लाइट ग्रीन कलर होता है इसका, स्टार्टिंग में वाइट होता है फिर बाद में कलर क्या हो जाता है लाइट ग्रीन हो जाता है, जिसके ऊपर क्या है येलो कलर की या फिर पीले रंग की जो है पट्टी पाई जाती है, जो इसकी डोर्सल साइड होती है ऊपर वाली जो सतह होती है उसके ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, इसके करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, इसके बारे में जो नेचर ऑफ डैमेज है वो मैंने आपको बता दिया और बता भी दिया कि एग्ज़ाम में कैसे अगर कुछ आता है। अब इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही हो या फिर कुछ टर्म्स ऐसी होती है कि हम पूछते नहीं हैं बार बार, जैसे अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के बता रहा हूँ कि मैं बार बार यहाँ टर्म यूज़ कर रहा हूँ मोल्टिंग, ठीक है, मोल्टिंग, और लगभग मैं मोल्टिंग ही बोलता हूँ इसको, हिंदी में तो बोलता नहीं शायद, है ना, त्वचा निर्मोचन बोलते हैं इसको, निर्मोचन। तो अगर किसी को मोल्टिंग के बारे में नहीं पता या फिर इसके अलावा भी आपको कोई भी वर्ड ऐसा हो, क्योंकि ये बस फिक्स कुछ वर्ड है, 10 मुश्किल से 8-10 वर्ड ऐसे होंगे जो बार बार आपके हर पेस्ट के अंदर रिवाइज होंगे, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप प्लीज़ इसको कॉन्टेक्ट जो कमेंट करके, जो वीडियो होता है उसके नीचे कमेंट करके इनसे पूछ लेना, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास जब होगी कि कौन सी जो टर्म है उसका मतलब क्या है। अगर आप इसको पूछोगे नहीं और सिर्फ देखते जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है भैया, ना, क्योंकि ये तो हर जगह काम आनी है। अब बात करते हैं इसके प्यूपा की, तो प्यूपा इसके बाद, यानी कि जो कैटरपिलर होती है ये फ्रूट के अंदर जैसे ही फीड करती रहती है, उसके बाद क्या करेगी बिलो लीव्स पे, ठीक है, यानी कि पत्तियां जो होती है, जो पत्तियां झड़ गई है ना, विदर जो होती है, यानी कि विदर्ड जो लीव्स होती है ना, मुरझाई हुई, और नीचे जो फॉलन लीव्स होती है, मुरझा के जो गिर जाती है, उन लीव्स के ऊपर क्या होता है, उन लीव्स की लोअर साइड पे, यानी कि ये कहाँ है, सरफेस के ऊपर रहेगी, नीचे सोइल की सरफेस पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि इनकी जो है ये कैटरपिलर जो है वो उन लीव्स की निचली जो सतह होता है वहाँ पर जाके क्या है प्यूपा में बदलता है, या फिर जो भी खेत में जो भी कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ है ना, अदर क्रॉप के जो भी स्टबल्स हैं उनके ऊपर, है ना, स्टबल्स जो होते हैं उनके ऊपर, या फिर क्या है ट्यूबर्स जो होते हैं उनके नीचे, स्टोरेज में क्या होगा, स्टोरेज में मैंने अभी आपको बताया प्यूपेशन कहाँ होगा, जो आपके आलू के कंद जो पड़े हुए हैं ना उसकी लोअर साइड पे क्या है यहाँ पे जाके ये प्यूपा में बदलता है। इसके बाद बात करेंगे इसके साइज़ की, तो साइज़ इसका होता है 1.5 mm किसका, प्यूपा का, ठीक है। इसके बाद इससे जो एडल्ट निकलता है ये स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ता जाता है और बाद में जो एडल्ट निकल के आता है उसका साइज़ लगभग 6 mm होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्यूपा, इसके बाद करेंगे एडल्ट की बात। एडल्ट क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होगा, और साइज़ मैंने अभी आपको बताया इसका क्या होगा, 6 mm, यहाँ ब्रैकेट में मैंने 12 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका विंग्स का जो मौत होगा, है ना, जो एडल्ट होगा उसकी विंग का एक्सप्रेशन जो है, यानी कि विंग है जो उनका फैलाव, पंखों का फैलाव कितना होगा 12 mm, और बॉडी साइज़ क्या होगा 6 mm। अब बात करेंगे इसकी एंटीना की, है ना, एंटीना इसमें किसी होती है फिलीफॉर्म, ठीक है, फिलीफॉर्म एंटीना होगी। विंग्स जो होते हैं वो
विंग ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है, विंग्स क्या होंगे ग्रे कलर के, और उनकी जो मार्जिन्स होती है, विंग्स की जो मार्जिन्स होगी यानी कि जो किनारे जो होते हैं उनके ऊपर क्या होगा, लॉन्ग हेयर्स पाए जाते हैं ब्राउन कलर के, ठीक है, ब्राउन कलर के लॉन्ग हेयर्स पाए जाते हैं जो लीफ होती है उनकी मार्जिन्स पे, ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना। अभी ये हो गया आपका, इसका क्या है, नेचर ऑफ डैमेज हो गया और लाइफ साइकिल हो गया। ये लाइफ साइकिल आप बात करेंगे टाइम की, तो 3 से 4 दिन बाद क्या है, एग से लार्वा बनता है, उससे 10 से 20 दिन बाद प्यूपा बनता है, और उससे 7 से 10 दिन बाद क्या है, एडल्ट बनता है, ठीक है। और एडल्ट बनने के बाद क्या होता है, इनके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है उससे 1 से 2 दिन बाद क्या है, जस्ट वापस एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है और ये सर्कल है जो वापस स्टार्ट हो जाता है। टोटल लाइफ साइकिल जो होता है वो होता है 21 to 36 days का, और एक साल में इसकी कितनी होती है, 6 to 8 जनरेशन पाई जाती है, ठीक है। अब बात ये देख लीजिए, डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि लीफ की जो अपर सरफेस जो होती है ना, उसकी जो मिड वेन होती है, ये दिख रहा है सबको, मिड वेन जो होती है उसके ऊपर ये क्या करता है, टनल बनाता हुआ क्या है, फिर आगे जो भी ब्रांचेज जो होगी वहाँ पर जाता है, लॉस करता है, ठीक है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये दिखाई दे रहा है सबको, टनल आसानी से बनी हुई है ना, ये क्या है, इसकी जो कैटरपिलर है उसके द्वारा बनाई जाती है। अब ये देख लीजिए, इसके कैटरपिलर मैंने आपको बताया वाइट कलर की होती है, और हेड कैसा होता है, ब्लैक कलर का, है ना, ये ध्यान रखना। और ये इसका क्या है, प्यूपा, प्यूपा है। अब बात करेंगे इसके डैमेजिंग सिम्टम की, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, एक इफेक्टेड पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो फ्रूट है। अब देख लीजिए इसको किस प्रकार ये नुकसान पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से, कभी कभी तो पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है, 70 से 80% तक लॉस देखा गया है इसका। और ये एडल्ट है, एडल्ट मैंने आपको बताया ब्राउन कलर का होता है, पीली येलो स्ट्रिप होती है, ऊपर पट्टी होती है, और विंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, और उसकी मार्जिन्स जो होती है वहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, है ना। तो ये सब ध्यान रखना भाई, इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की, तो मैनेजमेंट की, ठीक है। अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में सबसे पहले तो क्या है, अब इस ये जो पेस्ट है इसके अंदर क्या है, केमिकल्स मायने नहीं रखते, इसके अंदर क्या है, केमिकल स्प्रे वगैरह मायने नहीं रखते, यहाँ मायने रखती है सावधानी जो हम रखते हैं, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है, अब सैनिटेशन का मतलब क्या है कि आपका जो भंडार गृह है, ठीक है, भंडार गृह वहाँ पे क्या है, भंडारण करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से सफाई करेंगे, और जो भी क्या है दरारें वगैरह बनी होती है उनको पूरी तरह कवर कर देते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्ट है इनमें छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह सफाई करेंगे। प्लस क्या है, उसको सोइंग से पहले भी क्या है, जो ट्यूबर्स हैं उनकी छंटाई करेंगे, वो सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी रिमूव अफेक्टेड ट्यूबर्स का मतलब क्या है कि जिन जिन ट्यूबर्स पे खेत से हार्वेस्ट किया आपने, हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं इनकी जो है ग्रेडिंग करते हैं, या फिर बात करें जो अफेक्टेड जो ट्यूबर्स होते हैं ना उनको निकाल देते हैं अलग से, ठीक है, और जो साफ साफ सही जो ट्यूबर्स हैं उनको अलग रखते हैं, और उन्हीं को क्या करते हैं, हम भंडार गृह में लेके जाते हैं। लाइट टेप से इसको पकड़ा जा सकता है, मैंने आपको बताया क्योंकि पिंक बॉलवर्म में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, गैलीचिडी फैमिली जो थी उसके अंदर भी लाइट ट्रैप यूज़ करते हैं। कोल्ड स्टोरेज एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये नहीं होता, इसका रीज़न क्या है, जो कोल्ड स्टोरेज में हम जो टेम्परेचर रखते हैं बहुत लो होता है, और लो टेम्परेचर में ये क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है, लो टेम्परेचर में इसका लाइफ साइकिल है वो नहीं चल पाता, या बात करें ये सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए कोल्ड स्टोरेज अच्छा एक ऑप्शन है। इसके बाद बात करेंगे, अब यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है सैंड 2.5 सेंटीमीटर लेयर, इसका मतलब क्या है कि हम जब फील्ड में क्या करता है, जैसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हार्वेस्ट करते समय हम क्या करते हैं, जब पोटैटो को हार्वेस्ट करते हैं तो उस समय एक बार फील्ड में ही रख देते हैं ना, तो फील्ड में रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो पोटैटोज रखे हैं उनके ऊपर क्या है, एक बालू मिट्टी की क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं 2.5 सेंटीमीटर, कम से कम इतनी मोटी एक लेयर बनाते हैं। इससे क्या होगा, ये ट्यूबर्स हैं ये जो ढके हुए रहेंगे, और ये हमने जो 2.5 सेंटीमीटर इस ऊपर तक इनकी जो मिट्टी चढ़ाई है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो फीमेल होगी वो क्या है, एग लेइंग करने में सक्षम नहीं होगी, यानी कि ये जो ट्यूबर्स होते हैं इनके ऊपर इनकी फीमेल जो है वो यहाँ तक क्या है, एग लेइंग नहीं कर पाती, और ये क्या है, जब तक हम इनको भंडार गृह में नहीं लेके जाते तब तक इनको सुरक्षित रख सकते हैं।
फिर है एक्सपोज्ड टू सनलाइट बिफोर सोइंग, यानी कि बुआई से पहले क्या करते हैं, ये जो भी हमने सीड रखा था पिछले साल या बात करें पिछली क्रॉप का सोइंग के लिए, उस कंडीशन में क्या करते हैं, बुआई से पहले इसको कुछ समय के लिए डायरेक्ट सनलाइट के साथ, सनलाइट में क्या है इसको रखते हैं, यानी कि सूरज की जो धूप होती है उसके अंदर रखते हैं। उससे क्या होगा, अगर कोई स्टेज हाइबरनेशन में है या बात करें जो सुसुप्तावस्था में अगर कोई स्टेज है तो वो क्या है, एक्सपोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का आपको मैं बता दूँ, हमेशा ध्यान रखना कि इसकी कौन सी स्टेज हाइबरनेशन में रहती है या बात करें डोरमेंसी में सुसुप्तावस्था में, तो इसकी जो कैटरपिलर स्टेज जो होती है वो क्या है, रहती है डोरमेंसी में, है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पैकिंग इन बैग्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग होने के बाद, ठीक है, हार्वेस्टिंग होने के तुरंत बाद हम उनको क्या करते हैं, जो भी जूट के थैले या बोरियां वगैरह हैं उनके अंदर भर के रख देते हैं, ताकि अगर ज़्यादा समय तक आप रखे रखोगे तो आसपास के जो भी एडल्ट्स होंगे वो उड़ के आएंगे और इनके ऊपर एग लेइंग स्टार्ट कर देंगे। अब बात करेंगे केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे स्प्रे है तो थायोडोन 35 EC की 1 लीटर मात्रा को 750 लीटर वाटर में मिक्स करके प्रति हेक्टर के हिसाब से क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा इसके लिए कुछ हम क्या है, नेचुरल एनिमीज जो होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल एनिमीज में क्या है, ब्रैकोन स्पीसीज हो गया या फिर माइक्रो ब्रैकोन गेलची, ये क्या है, ये दोनों ही इसके ऊपर क्या है, पैरासाइट के रूप में रहते हैं, पैरासाइट के रूप में रहते हैं यानी कि इसको नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, और अपने लिए क्या है, ये फ़ायदे का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटैटो का। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके पेस्ट हमारे कवर हो चुके हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, टोमेटो जो है ना, टोमेटो का एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है आपके सिलेबस में, टोमेटो फ्रूट बोरर, ठीक है, टोमेटो फ्रूट बोरर। तो ये टोमेटो फ्रूट बोरर क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमने पढ़ा था ग्राम क्रॉप के अंदर, हमने जो ग्राम पोड बोरर पढ़ा था, क्या नाम था उसका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये क्या है, किसके अंदर कवर हो चुका है आपके ग्राम के अंदर, सेम है, बस आपको सिर्फ क्रॉप चेंज करनी है, डैमेजिंग सिम्टम वगैरह सब सेम रहेंगे। इसका मेन तो आपको नेचुरल डैमेज का ध्यान रखना है, डैमेज करते समय इसकी कैटरपिलर क्या होती है, उसका हाफ पोर्शन तो अंदर रहता है फ्रूट के और हाफ पोर्शन बाहर रहता है, सेम चीज़ है, सेम डैमेज होगा, सेम मैनेजमेंट है सब कुछ, ठीक है, बस क्रॉप के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज है। तो ये आपका हो चुका है। इसके अलावा इसी को क्या बोलते हैं हम, अमेरिकन बॉलवर्म भी, है ना, कॉटन के अंदर जो अमेरिकन बॉलवर्म होती है वो भी क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ही होता है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, बस ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो ओकरा का, भिंडी का जो है ना, ओकरा शूट एंड फ्रूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर, है ना, ये भिंडी का जो शूट एंड फ्रूट बोरर है, ये भी आपका कवर हो चुका है, हमने कॉटन में पढ़ा था एक पेस्ट एरिस विटेला, है ना, तो ये क्या है, सेम पेस्ट है और सेम फैमिली है भिंडी की, तो आपको पता है कॉटन की दोनों की, तो सेम डैमेज होगा, सेम सब कुछ होगा, बस आपको ये थोड़ा बहुत क्या क्रॉप के हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो ये हो गए आपके कवर। अब भाई इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम किसी नए पेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।